नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और आज हम केस स्टडी करेंगे एविएशन सेक्टर की। और इस वीडियो के बाद आप ये सीख पाएंगे कि एविएशन सेक्टर की जो हमारी दो कंपनी है, जो सबसे बड़ी जो लिस्टेड कंपनी है स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन, उनके रिजल्ट को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट केस स्टडी एविएशन सेक्टर की। आइए अपने सबसे पहले जो इंटरग्लोब एविएशन जो जो इंडिगो एयरलाइंस है, तो उसका मैं आपको थोड़ा ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो ये इंटरग्लोब एविएशन, तो इसका अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो इस तरह से निकल जाएगा बीएससी में। यहाँ पे एनुअल ट्रेंड में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2016 में अप्रोक्सीमेटली इसने 16,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, और इस 16,000 करोड़ के रेवेन्यू में इनका नेट प्रॉफिट कुछ 2,000 करोड़ का था। और अभी 2019 में कुछ अप्रोक्सीमेटली इनका जो है जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ ज्यादा हो गया है, और अभी इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 156 है। सो ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्यादा बिजनेस बढ़ने के बाद 2016 से 2019 में अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास इसने अपना रेवेन्यू को बढ़ाया है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। ऑलमोस्ट ये कंपनी अभी नेक टू नेक पे चल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ, या बाहरी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर में ऐसा क्या हुआ कि इसका जो है वो जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा गिर गया। तो ये देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ पे जाके एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले से 2019-2018 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है, और सबसे पहले हम उसमें जाएंगे उनके जो कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें। अब ये देखिए, ये 2019 का एनुअल रिपोर्ट जो आया है उसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो है आपका टोटल एक्सपेंस ये देखिए एक्सपेंस में। सो यहाँ पे देखिए, ये 2018 में जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल एक्सपेंस था वो ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ था, और वही जो है 2019 में ये बढ़ के 119 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू का अगर देखा जाए तो 2008 में रेवेन्यू का 77 / 239 × 100 यानी ये 32% था 2018 में, और वही 2019 में ये बढ़ के 40% के अराउंड ये हो गया है। जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो 32 से बढ़ के 40 हो गया है, और वही 2017 में देखा जाए तो 2017 में ये देखिए, ये 2017 में जो टोटल फ्यूल एक्सपेंस था वो था 63,000 करोड़ के आसपास, आउट ऑफ रेवेन्यू है इसका 193, यानी कि 2017 में भी इनका 32% के आसपास था। 2017 में 32% के आसपास का फ्यूल कॉस्ट है, 2018 में भी 32% के आसपास है, लेकिन 2019 में यह बढ़ के 40% हो गया है। जिसके कारण क्या हुआ है कि इसके रिजल्ट में हम लोग देखते हैं, जिसके कारण ये रिजल्ट में देखिए हुआ क्या है, जो नेट प्रॉफिट 2017 में 1600 था वो ऑलमोस्ट से परसेंटेज सेम है रेवेन्यू का, तो ये सेम नेट प्रॉफिट जो है 2018 में 2200 ये बढ़ा है। बढ़ा है क्यों? क्योंकि जो फ्यूल का जो एक्सपेंस था वो सेम 40% के आसपास आ 32% के आसपास आ रहा है, लेकिन 2019 में क्या हुआ है कि फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो उसका रेवेन्यू का 40% है, इसीलिए क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट घट के सिर्फ 156 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आइए, इसका मतलब क्या है कि जो एविएशन सेक्टर का जो रिजल्ट है, जो उसका जो नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट या ईपीएस जो आ रहा है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि फ्यूल का प्राइस क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये फ्यूल का प्राइस हमें कहाँ से मिलेगा और वो कितना होगा, तो उससे कंपनी का रिजल्ट में कितना असर पड़ेगा। अब ये जो फ्यूल जो कि एयरप्लेन्स में लगता है, जैसे हम लोग एटीएफ कहते हैं, एटीएफ का मतलब है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो जानने के लिए आप क्या कीजिए, आप गूगल पे जाइए और सर्च मारिए इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक एडवाइजर में क्या आ जाएगा, आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। ये क्या होता है कि आपको 11 आपको 14 या 15 तारीख के आसपास पूरा ये डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे आपको अपलोड कर दिया जाता है कि एग्जैक्टली, और यहाँ पे कुछ 800 कमोडिटी के जो प्राइस है वो रिलेटिव जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है,
यहाँ पे इस तरह से आपको खुल जाएगा, आपको हर एक चीज का यहाँ पे दाम मिल जाएगा, कुछ 800 कमोडिटी है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए ATF, ATF का मतलब है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये देखिए ये है ATF। अब इसका जो जो दाम चल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये दाम को इंडेक्सिंग किया गया है। ये मैंने पहले ही इस शीट को पहले डाउनलोड करके यहाँ मैंने एक एवरेज निकाला है कि ये देखिए 2015 2016 में ये जो एवरेज इसका प्राइस था वो था 69.52, और 2016 2017 में भी एवरेज इसका प्राइस था 69.29। ये देखिए अगर मैंने इसका ग्राफ भी बना रखा, ये जो ग्राफ ये अप्रैल 2015 से बना हुआ है मार्च 2019 तक, तो ये देखिए ये पहले क्या होता है एविएशन अप्रैल 2015 से उसका दाम गिरता है और फिर उसका दाम उठता है। मोरलेस 2 साल तक इसका दाम 60 से 80 के रेंज के बीच में ही रहता है, 2 साल क्या 3 साल तक, और उसके बाद लास्ट में एंड में इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो मैंने इसका एक एवरेज निकाल रखा है कि इसका क्या एवरेज दाम चला था। तो ये देखिए 15-16 में इसका एवरेज जो दाम था वो था 69.52, 16-17 में था 69.29 ऑलमोस्ट सेम, 17-18 में 78.7, और 2018-2019 में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, इसके कारण बहुत ज्यादा ATF का दाम बढ़ा और उसका प्राइस हो गया 102 के अराउंड 2018-2019। अब ये चीज देखिए ऑलमोस्ट 15-16 में सेम है और 17 में थोड़ा सा दाम बढ़ा है। अब आइए इसके रिजल्ट को देखिए, एविएशन सेक्टर के रिजल्ट। ये देखिए 15-16 और 17 यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा जो इसका नेट प्रॉफिट है वो मोर एल लेस सेम ही 300 करोड़ के आसपास की थोड़ी सी गिरावट आई है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2017 में फ्यूल का दाम थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी आई। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसके रेवेन्यू में जो जंप है वही इसका सेम नेट प्रॉफिट में जंप नहीं आया है क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट बढ़ चुका है। लेकिन अभी क्या हुआ फाइनली 2018-2019 में जो एवरेज फ्यूल का कॉस्ट है वो है अराउंड 102। अब इसके कारण क्या हुआ है कि इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो एयरलाइंस ने जो जो वो रेवेन्यू कमा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा हिस्सा वो फ्यूल में ही खर्च कर दे रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ कि इसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 156 करोड़ है। यानी कि अगर ये फ्यूल का कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्यूल का कॉस्ट अगर ये 100 के ऊपर चल रहा है तो किसी भी एविएशन सेक्टर को की कंपनी को प्रॉफिट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। और वही इसका दाम अगर 69-70 है, अगर ये 70 से नीचे पे है तब ये बहुत इजीली तरीके से एविएशन सेक्टर की कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। तो अब आपको हो सकता है क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से एक बार सम अप कर दे रहा हूँ कि ये देखिए 15-16 में जो जो ये जो एविएशन सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जाता है फ्यूल में। और फ्यूल में जो हिस्सा जाता है वो आप देख सकते हैं WPI की डाटा में कि क्या जा रहा है। और अगर WPI में आप देख रहे हैं कि जो ATF का जो दाम है वो अगर 100 के ऊपर चल रहा है तो एविएशन सेक्टर की जो कंपनी है जैसे स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइन, इनको प्रॉफिट बनाने में काफी दिक्कत आएगी। और ये जितना भी 100 से नीचे रहेगा उतना ज्यादा कंपनी जो है वो प्रॉफिट बनाएगी। सो अगर आपने इंडिगो या स्पाइस जेट में अगर अपने अपने तो प्लीज ये WPI का रिजल्ट को, WPI के जो डाटा है उसको डाउनलोड करके हर महीने आप एक बार प्लीज चेक कर लिया कीजिए कि ATF का दाम कहाँ है, कि क्या चल रहा है। अगर वो 100 से ऊपर चल रहा है इसका मतलब थोड़ा टफ कंडीशन है, थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर ATF का दाम 100 से बहुत ज्यादा धीरे धीरे नीचे जा रहा है इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल में जाएगी और बहुत ही अच्छी रिजल्ट शो करेगी। और अब हम अपनी थोड़ी अपनी टीम के बारे में बता दें, हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के, नए नए कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं। हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। यही हमारा काम है। इनकेस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे।
और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।